पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। श्योपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया शहर का निरीक्षण, कोविड-19 को लेकर आमजन से मास्क लगाने की अपील। श्योपुर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने पुलिस अमले के साथ आज शहर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर एवं SP ने होम क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों के यहाँ जाकर उनके परिवारजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और साथ ही उनको कोविड गाइडलाइन से रहने की सलाह दी और साथ ही परिवारजनों को घर में रहने और मास्क लगाकर रहने की सलाह दी। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होम क्वारंटाइन होकर कोविड गाइडलाइन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें ठेगदा कोविड सेंटर पर शिफ्ट करने के आदेश प्रशासन को दिए और साथ ही जो लोग संपूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें घर में परिवार के साथ सुरक्षित रहने की समझाइश दी गई। और समझाइश के साथ साथ कार्रवाइयां जरूरी हैं और क्योंकि आम जनता के सहयोग से प्रशासनिक व्यवस्था जी बनी रहे उसको देखते हुए हमने पुलिस अधीक्षक जी ने एक साथ ली और लगातार हमारे ADM जी सभी लोग लगातार कर रहे हैं जी। जहाँ समुचित कार्रवाई होती है वैधानिक वो भी की जाती है, समझाइश भी दी जाती है। फिर मेरी सभी जनता से और आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि आप लोग मास्क का उपयोग करें और जो कोविड संक्रमण के डिस्टेंस का है उसका भी पालन करें। यही एक मेरा अनुरोध।